सर सुशांत सिंह फैंस में गुस्सा है और आपने भी विधानसभा और विधान परिषद में आपकी पत्नी ने आवाज उठाया, उसके बाद से सरकार की तरफ से भी अनुशंसा की गई है इसकी सीबीआई जांच के मामले में। देखिए, हम लोग शुरू से इस मामले को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई में जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कल हमने विधानसभा में और मेरी पत्नी ने विधान परिषद में आवाज़ उठाई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया और हमारे तमाम नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया। हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, सबों ने इसे गंभीरता से लेते हुए सबने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया और अब जाकर के ये मामला सीबीआई को रिकमेंड कर दिया गया। और अब हम लोगों को पूरा उम्मीद है, करोड़ों फैंस को और परिवार को पूरा उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी और सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी साफ। मुंबई पुलिस का ये रवैया जो सामने आ रहा है, बिहार पुलिस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया जा रहा है, ज़बरदस्ती एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मामले को लेकर बड़ी चाल। एक यही तो सबसे बड़ा एक उदाहरण पेश हुआ, सबसे बड़ा एक समझिए कि सबूत के तौर पर आ गया कि मुंबई पुलिस किस तरह से असहयोग कर रही है। मुंबई पुलिस मामले का लिपापोता करना चाह रही है, ठंडे बस्ते में डालना चाह रही थी। मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी, ये पूरा देश देख रहा था। इसी आधार पर हम समझते हैं कि इसको सीबीआई को रिकमेंड किया गया और सीबीआई के हाथ में मामला जाएगा तो फिर कोई असहयोग नहीं कर पाएगा, सबों को सहयोग करना पड़ेगा और हर कुछ सामने निकलेगा और दूध का दूध पानी का पानी। बिहार सरकार इसकी तैयारी कर रही है? बिल्कुल, बिहार सरकार ने तो रिकमेंड कर दिया, सीबीआई से अपने हाथ में लेगी और जांच करेगी और हम लोगों को पूरा तसल्ली है, पूरे परिवार पूरे देश को तसल्ली है, एक आशा उम्मीद जगी है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष।